हेलो एवरीवन, कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूजी से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सब्जी। जब घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो आप घर के बेसिक सामानों से ये सब्जी बना सकते हैं, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 3 कप पानी डाल दिया है। आपको यहाँ पर गैस की फ्लेम को हाई रखना है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा और 1 से 2 चम्मच आपको यहाँ पे ऑयल डालना है ताकि हमारी जो सूजी है वो चिपके नहीं कढ़ाई में। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ हमको इसको थोड़ा सा ही बॉईल करना है। अब हमें इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डालनी है। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। पानी में हल्का बॉयल आ चुका है। अब यहाँ पे मैंने 1.5 कप सूजी ली है। आपको थोड़ी थोड़ी करके ही सूजी इसमें ऐड करनी है। एक साथ अगर आप सूजी ऐड करेंगे तो इसमें गुठली या लम्स पड़ सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके सूजी ऐड कीजिए और लगातार हाथों से चलाते रहिए। इस टाइम पे आपको गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब अच्छे से चलाते हुए हमें इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके कुक करना है, क्योंकि पानी ऑलरेडी गर्म था तो सूजी पकने में हमें अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 3 मिनट के बाद देखिए सूजी हमारी अच्छे से गल गई है और इसने सारा ही पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए फिर हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ मैंने एक मोल्ड को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास इस टाइप का मोल्ड ना हो तो आप कोई भी थाली या प्लेट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो सूजी का बैटर बनाया है वो इसमें डाल देना है। चारों तरफ अच्छे से डाल के आपको अपने हाथों को पानी से ग्रीस करके इसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देना है। ये देखिए मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब हमें लगभग इसको 10 मिनट के लिए ऐसे छोड़ना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद इसको डीमोल्ड करके हमको चाकू की हेल्प से इसके पीसेस काटने हैं। आप पीसेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटे या बड़े। मैंने यहाँ पर थोड़े पीस को छोटा कर लिया है और यहाँ पर मैंने 4 पीस को निकाल दिया है। हम इसको मिक्सी में बारीक पीस के इसका पेस्ट बनाएंगे जो हम सब्जी की ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब एक पैन में हल्का सा मस्टर्ड ऑयल, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हल्की सी बिल्कुल पिंच भर हल्दी और हल्की सी लाल मिर्च डालकर हमको इसको चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड करना है। अब जो हमने अपने सूजी के पीसेस काट के रखे थे वो आपको इसमें ऐड कर देने हैं। आपको इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। अब आपको इसको अच्छे से चलाते हुए मसालों में कोट करना है ताकि मसाले चारों तरफ से अच्छे से इसमें कोट हो जाएं। लगभग 2 मिनट के बाद आपको इसको पलट देना है और दूसरी साइड से भी लगभग 2 मिनट तक हमें इसको मीडियम फ्लेम पे सेकना है। अगर आप चाहें तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सब्जी में बहुत ही कम ऑयल का यूज़ कर रही हूँ तो मैंने इसी तरीके से इसको बनाया है। अब इस तरीके से बाकी जितने भी हमारे पीसेस थे उसको भी इसी तरीके से आपको फ्राई कर लेना है। अब एक कढ़ाई में हमको 3 बड़े चम्मच ऑयल लेना है। इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच हींग और मैंने यहाँ पे लहसुन को लंबे में कट करके लिया है। लगभग 6 से 7 कलियाँ लहसुन की हैं। इसको अच्छे से मिक्स करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। 2 तेज़पात के पत्ते
और 3 से 4 लंबी कटी हुई हरी मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जब लहसुन का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब मैंने यहाँ पे 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं चॉप करके। अगर आप चाहें तो इसका पेस्ट बना के भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। प्याज हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैंने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर की प्यूरी बना कर ली है। इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। आपको इस टाइम पे गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब यहाँ पर जो मैंने सूजी का पेस्ट बनाया था वो लेना है। इससे जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही थिक बनेगी। अब हम यहाँ पे कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च पाउडर, आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1/2 टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हमें मसालों को तब तक भूनना है जब तक इससे तेल रिलीज ना हो जाए। इसको लगभग 2 मिनट के लिए हमको ढक करके पकाना है। दो मिनट के बाद इसको चलाते हुए मैंने यहाँ पर ये फ्रेश मलाई ली है दूध की निकली हुई, और थोड़ी सी कसूरी मेथी लगभग 1/2 चम्मच। इसको अच्छे से चलाना है हमको चारों तरफ से, और इसको भी लगभग हमको 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके कुक करना है। देखिए तेल अच्छे से मसाले ने छोड़ दिया है। अब इसको चलाते हुए हमको इसमें पानी ऐड करना है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा थिक ग्रेवी चाहिए तो आप कम डालिए, अगर आपको थोड़ी पतली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। पानी मैंने यहाँ पर बॉईल करके लिया था। अब हमको यहाँ पर लगभग 5 मिनट के लिए अपनी ग्रेवी को ढक करके कुक करना है। 5 मिनट के बाद हमारी ग्रेवी में बॉइलिंग आ गई है। एक से 2 मिनट और चलाने के बाद जो हमने सूजी के पीसेस बनाए थे वो सब हमको इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसको लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। 5 मिनट के बाद देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी खासी थिक हो चुकी है, क्योंकि ये सब्जी अगर आप थोड़ी देर रखेंगे तो भी ये थोड़ी सी और थिक होगी। अब इसमें हरा धनिया चॉप किया हुआ डाल के अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये देखिए हमारी सूजी की टेस्टी सब्जी बन के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।